नमस्कार दोस्तों, बहुजन हलचल के जागते रहो प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं उमेश करुणा। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, तुलसीदास पर हिमादास पड़ गई भारी। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रामचरितमानस के चौपाई में ये बात तुलसीदास ने ही लिखी है। जहाँ एक तरफ सीता जी को माता कहा गया है, वहीं दूसरी तरफ स्त्री को पिटाई का पात्र माना गया है। अगर आज के समय में तुलसीदास होते तो उसे अपनी उस गंदी मानसिकता के चलते जेल की सजा भुगतनी पड़ती। तुलसीदास पर भारी पड़ी हिमादास, उसके लेखे को मिटा गई हिमादास। हिमादास ने 19 दिन में 5वां गोल्ड जीतकर जो इतिहास रचा, उसकी जितनी तारीफ की जाए वह कम है। हिमा ने 400 मीटर की रेस 52.9 सेकंड में पूरी की। जानिए कौन है ये देश की नई उड़न परी हिमादास। हम बताते हैं आपको हिमादास के बारे में। असम के नौगांव जिले के दींग गांव की रहने वाली 19 साल की हिमादास एक साधारण किसान परिवार से ताल्लुक रखती है। उसके पिता चावल की खेती कर परिवार का गुजारा करते हैं। हिमा परिवार के 6 बच्चों में सबसे छोटी है। हिमा पहले गांव के लड़कों के साथ फुटबॉल खेला करती थी और एक स्ट्राइकर के तौर पर अपनी पहचान बनाना चाहती थी। वो अक्सर अपने गांव और जिले के आसपास छोटे मोटे फुटबॉल के टूर्नामेंटों में हिस्सा लिया करती थी। जनवरी 2017 में हिमा गुवाहाटी में एक ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा लेने आई थी। वहाँ कोच निपुण दास की नज़र उन पर पड़ी। तभी उन्हें एहसास हो गया था कि हिमा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एथलीट बनने की काबिलियत मौजूद है। इसके बाद निपुण हिमा के गांव पहुंचे और उनके माता पिता से मिलकर उनसे गुजारिश की कि हिमा को बेहतर कोचिंग के लिए गुवाहाटी भेज दे। हिमा के पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि गुवाहाटी में उनके रहने और ट्रेनिंग का खर्च नहीं उठा सके। ऐसी स्थिति में निपुण ने खुद ही हिमा के रहने का खर्च उठाने का फैसला किया। यहीं से शुरू हुआ हिमा के एथलीट बनने का सफर। हिमा के कोच निपुण दास के मुताबिक उन्होंने हिमा को शुरुआत में 200 मीटर दौड़ की तैयारी करवाई, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि वे 400 मीटर दौड़ में ज़्यादा कामयाब रहेगी। और वही हुआ कि हिमा ने 400 मीटर की रेस 52.9 सेकंड में पूरी की और 19 दिन में 5वां गोल्ड जीतकर जो इतिहास रचा है। हिमा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी ट्रैक इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बन गई है। इससे पहले भारत के किसी महिला या पुरुष खिलाड़ी ने जूनियर या सीनियर किसी भी स्तर पर विश्व चैंपियन में गोल्ड नहीं जीता है। बता दें कि उन्होंने ऐसी जादुई रफ्तार पकड़ी कि सबको पीछे छोड़ते हुए इतिहास रच डाला। रेस के बाद जब हिमा को गोल्ड मेडल पहनाया गया और उस दौरान राष्ट्रगान बजा तो उसकी आंखों से आंसू छलक आए। आखिरकार हिमा ने सिर्फ अपने कोच के भरोसे पर खरी उतरी, बल्कि उन्होंने देश के लिए एक नई उम्मीद भी जगा दी है। बदलते भारत में महिलाओं को आगे बढ़ने में एक नए दौर की शुरुआत हो चुकी है। आप देख रहे थे बहुजन हलचल न्यूज का जागते रहो प्रोग्राम। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत लेता हूं। मैं उमेश करुणा, धन्यवाद।